हमारे देश में मोदी विरोधियों की कमी नहीं है। क्या ममता बनर्जी, क्या उद्धव ठाकरे, क्या अखिलेश यादव, क्या केजरीवाल, ये सब ऐसे नेताओं के नाम हैं जो मोदी सरकार की तरफ से किए गए हर काम का सिर्फ विरोध ही करते हैं, किसी भी काम को कभी सराह ही नहीं सकते, तभी तो ये मोदी विरोधी कहलाते हैं। लेकिन अचंभा तो तब हो गया जब नरेंद्र मोदी ने देश के लिए नई संसद का निर्माण कराया और उसमें भी विपक्ष खामी ढूंढने लगा, उसका भी विरोध करने लगा। पीएम मोदी के शुभ कर कमलों से नई संसद का उद्घाटन किए जाने पर तंज कसने लगा। लेकिन इन सब से अलग रुख बीएसपी प्रमुख मायावती ने रखा। नरेंद्र मोदी के हाथों संसद भवन का उद्घाटन किए जाने का भी समर्थन किया, और अब जब नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के शुभ कर कमलों से हो गया है तो उस पर भी बीएसपी प्रमुख मायावती ने शुभकामनाएं दी हैं, ट्वीट किया है, लिखा है, नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश और जनहित में सही और भरपूर इस्तेमाल हो, ये उचित होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती के इस ट्वीट का सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से स्वागत किया गया। अमित पांडे नाम के यूजर ने लिखा, स्वागत योग्य बहन जी। हुकुम मेहरा नाम के यूजर ने लिखा, बसपा की सोच को सलाम, बहन मायावती जी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सुविचारों के साथ समय समय पर विरोधी पार्टियों को आईना दिखाते हुए और सत्ता में न होते हुए भी संविधानवादी मानवता सोच को बरकरार रखते हुए जनहित में समर्थन करती आई हैं। विरोधी पार्टियों को भी बहन जी जैसी सोच रखनी चाहिए। डी सिंह नाम के यूजर ने लिखा, बहन जी ने लाग लपेट की राजनीति की नहीं है, स्पष्ट दूरदर्शिता, आशावादी और सबसे महत्वपूर्ण बाबा साहेब को अपना आदर्श मानने वाली बहन जी का अंदाजे बयां हमेशा से राष्ट्रहित में ही रहा है। जब भी देश हित में समर्थन की जरूरत है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, बहन जी ने फुल सपोर्ट किया है। तो कुछ इस तरह से लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती के स्टैंड का समर्थन किया। वही कांग्रेस पहले तो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और जब उद्घाटन समारोह हो गया तो कहने लगे कि देश में लोकतंत्र नहीं है, विपक्ष की मौजूदगी के बिना नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता। अब कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, 2019 से जिस संसद भवन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था, उस संसद भवन के उद्घाटन की तारीख आते ही कांग्रेस का विरोधी राग शुरू हो गया तो बीजेपी मान मनोबल का दौर नहीं चला सकती थी। विपक्षी कुछ दलों ने अपनी मर्जी से इस समारोह में शामिल न होना चुना, बल्कि मायावती जैसे कई दलों ने इस भव्य समारोह का साक्षी बनना पसंद किया, देश के इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने को प्राथमिकता पर रखा। वैसे मायावती ने जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इस ऐतिहासिक दिन के लिए शुभकामनाएं दी हैं, जिस तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मायावती ने इस एक काम में बीजेपी का समर्थन किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।